I'm going to talk about the peace of God. We आज all need peace of God in our life. In a time such as this, we need the peace of God in our life. आज मैं परमेश्वर की शांति के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज की जो माहौल है उसके बीच में हमें परमेश्वर की शांति की जरूरत है. Jesus Christ, when he came on the earth to die for us, one of the things that he wanted to bring is to give us peace in this world. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, तब वो एक चीज हमारे जीवन में लाने के लिए, उनका मकसद था, एक चीज लाने के लिए उन्होंने कोशिश किया, वो है परमेश्वर की शांति. In Isaiah chapter 52, in verse 7, we read this one. परमेश्वर का वचन बोलता है कि पहाड़ों पहाड़ कितना सुंदर है और उसकी पैर कितना महिमावंत है. जो शांति एक अच्छा संदेश के साथ लेके आता है, जो सुसमाचार को प्रचार करता है और बोलता है परमेश्वर राज करता है. कहां से? जियोन से बोलता है कि परमेश्वर राज करता है. Amen. So there are two things in the gospel. One is the peace of God, and then other is happiness. सुसमाचार में दो चीज है, एक परमेश्वर का शांति और दूसरा परमेश्वर का आनंद. But we don't have time to talk about happiness. It will take 1 year because I teach a course on happiness. But just to say that joy and happiness and peace and is something that Christ gave us in the gospel itself. अगर मैं आनंद के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा 1 साल लग जाएगा, क्योंकि अलग से अभ्यास उसके बारे में मैं लेता हूं. मगर आनंद खुशी और शांति ये परमेश्वर से आता है. So if you turn to Luke's gospel, the second chapter, लूक की सुसमाचार दूसरे अध्याय में अगर हम देखें, you see verse 10, दसवीं वचन. This is the gospel or the good news that Jesus Christ was bringing through his birth, and the angels proclaimed this. ये जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में पैदा होने वाले थे, देवदूत ऐसे उन्होंने बात किया. तब देवदूत ने कहा, डर मत, मैं आपको एक आनंद की सुसमाचार सारे जगत की लोगों के लिए बताना चाहता हूं. Very good. That is, three things are there. The good news, great joy, and for all the people. यहाँ पे तीन चीज इस वचन में हम देख सकते हैं. पहला सुसमाचार, दूसरा महा आनंद, एक बड़ा आनंद, और तीसरा सभी जनों, सभी लोगों के लिए. What is the good news? Jesus Christ. Jesus Christ forgave my sins. Jesus Christ died on the cross for me. Jesus Christ loves me. Jesus Christ cares for me. This is the good news. सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मुझे बचाने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह मरे, और मुझे आनंद देने के लिए यीशु मसीह मरे. यही है सुसमाचार. Jesus Christ cares for me. यीशु मसीह मेरा चिंता करते हैं. Jesus Christ is with me. यीशु मसीह मेरे साथ है. Because I've accepted him as my Lord and Savior. क्योंकि मैं यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता और मेरा प्रभु बोल के मैंने स्वीकार किया है. And I don't need anything else. I'm extreme, and that produces great joy. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीज मेरे अंदर एक बड़ा आनंद को उत्पन्न करता है. What is that good news? Is Jesus loves me, and that produces great joy. सुसमाचार ये बताता है कि यीशु मसीह मुझे प्यार करते हैं, वही मेरे अंदर से एक बड़ा आनंद को उत्पन्न करता है. Jesus Christ has forgiven my sins, and that produces great joy.
यीशु मसीह मेरे पापों को माफ किया है, वही मेरे अंदर एक बड़ा सा आनंद को उत्पन्न करता है. Jesus Christ has fallen in love with me and he is madly in love with me and I am filled with great joy. यीशु मसीह मुझे प्यार करते हैं और एक पागल की जैसा वो मुझे प्यार करते हैं, यही चीज मेरे अंदर से एक बड़ा आनंद को उत्पन्न करता है. And this joy, every believer, either in Gujarat or Chennai or Bangalore or America, anywhere, you can experience this great joy. ये आनंद हर एक व्यक्ति, भले वो गुजरात में हो, चेन्नई में हो, बैंगलोर में हो, अमेरिका में हो, हर एक विश्वासी ये आनंद, ये बड़ा आनंद को अनुभव कर सकता है. And he says, this joy is for everybody. और वचन बोलता है ये आनंद जो है ये सबके लिए है. सो जीसस क्राइस्ट ग्रेट जॉय फॉर ऑल द पीपल. अगर यहां देखे तो यीशु मसीह सबके लिए एक बड़ा सा आनंद है. हालेलुया, हालेलुया. आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. In one church, there was a banner, and the banner was like this. Yeah. एक कलीसिया में एक बड़ा सा बैनर था. वो बैनर में ऐसा लिखा गया था. God plus nothing equals everything. Hallelujah. ईश्वर मसीह, परमेश्वर और कुछ नहीं. ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे, सब कुछ है, यही है. Hallelujah. Hallelujah. So I don't have now. I don't have very lot of money. I don't have best of food. I don't have my own house. I put my ATM card into the mission. I get that amazing love letter. Insufficient fund. I am still joyful. Why? God plus nothing equals everything. Hallelujah. अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अगर मेरा एटीएम कार्ड को मैं एटीएम में डालता हूं, मुझे अच्छा लव लेटर मिलता है कि आपकी बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी ये मुझे एक बहुत बड़ा आनंद देता है, क्योंकि यीशु मसीह और भले कुछ भी नहीं है, मगर यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद है. That is Christianity. Yay! You know, Isaiah. There was a man who went to a church. एक इंसान कलीसिया में गया. एक विश्वासी एक कलीसिया में गया. He was not very rich. वो अमीर नहीं था. So he went to a church which is high church. They don't believe in free worship and hallelujah and praise the Lord. They are not used to that. वो ऐसे कलीसिया में गया जहां पे लोग हाथ उठा के एक आजादी के साथ हालेलुया बोल के आराधना करें, वैसा कलीसिया नहीं था. वैसे कलीसिया में वो गया. He was full of joy. He would say hallelujah, praise the Lord. He didn't have proper clothes, he didn't have proper shirt, he didn't have even a shoe, but he would say hallelujah, hallelujah. Every time the pastor said God loves you, hallelujah, he would shout. God forgiven your sin, hallelujah, he would shout. ये व्यक्ति के पास सही कपड़ा नहीं था, कई शर्ट नहीं था, कई सही जूते नहीं था, फिर भी उसके अंदर इतना आनंद था. जब भी पास्टर बोलता था परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हाथ उठा के वो बोलता था हालेलुया, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो बोलता था हालेलुया. So the church members did not like it. मगर ये भले ये ऐसा करता था, मगर कलीसिया में जो लोग थे ये पसंद नहीं करते थे. What is he making so much noise? वो बोलते थे ऐसा आवाज क्यों कर रहा है? Why is he so excited and happy? इतना आनंदित क्यों है? इतना उत्साही क्यों है? And this is the question that all of the people who see us must know. Ask, why is this fellow so happy? Why is this fellow jumping in joy and happy? Even though this pandemic and COVID and everything, this fellow is happy and joy. This fellow must be back. Or he must be a Christian.
सो यही सवाल लोग जब हमें देखते हैं उनको पूछना चाहिए, ये इंसान इतना आनंदित क्यों है, ये इंसान इतना खुश क्यों है? यू नो, महामारी चल रहा है, बीमारी चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, फिर भी ये इंसान क्यों है? शायद ये पागल है, नहीं तो ये इंसान एक ख्रिस्ती ईसाई होना चाहिए, ऐसा सवाल पूछना। हालेलुया। सो द दिस चर्च मेंबर्स सेड यू मस्ट स्टॉप दिस हालेलुया इन द लॉर्ड शाउटिंग टू मच हालेलुया, यू मस्ट स्टॉप हिम। सो दे हैड अ प्लान, दे टोल्ड हिम, If you don't shout hallelujah and praise the Lord, we'll give you a nice pair of shoes, new pair of shoes, but you must not say hallelujah in the church. ये लोग ये कलीसिया में ये लोग मिलके बोला कैसे भी ये व्यक्ति को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने से बंद करना, तो उन्होंने मिलके एक योजना बनाया और इस व्यक्ति के पास आके बोला अगर तू चिल्लाएगा नहीं तो हम तुझे एक अच्छा जूता खरीद के देंगे, अगर जूता चाहिए तुझे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए। This poor man really thought, yes, I need a shoe, it's very cold, it'll be very nice to have a shoe. He said, okay, I won't say hallelujah, you'll get me a shoe, no, thank you. ये व्यक्ति ने सोचा यार बाहर बहुत ठंडी है, मुझे एक नया जूता चाहिए, तो उसने सोच के बोला ठीक है मैं हालेलुया नहीं बोलूंगा, आप ये अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। So he came to church next Sunday. अगले संडे वो फिर से कलीसिया आया। Now the elders were sitting very close to him and behind him. वो कलीसिया की आज्ञावान जो है उसके नजदीक बैठे हैं। And the pastor started preaching. और पास्टर संदेश देना शुरू किया। Pastor said, if everybody forgets you, don't worry, God will not forget you. पास्टर ने बोला अगर कोई भी आपको भूल जाए मगर परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं, इसके लिए चिंता मत करो। Even if your father and mother forsake you, God will not forsake you. भले आपकी माँ बाप आपको टुकराए मगर परमेश्वर आपको कभी टुकराएगा नहीं। And God will meet all your needs in the riches of His glory. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, कैसे? उसकी महिमा की धन से आपको आपकी सारे चीजों को पूरा करेगा। You may have difficulties and weaknesses, but my grace is sufficient for you. आपको कमजोरी रहे, आपको तकलीफ रहे, मगर मेरी कृपा आपके लिए काफी है। God loves you and He has fallen in love with you madly. उन्हें बोला परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको पागल की जैसा प्यार करता है। Now this believer wanted to say hallelujah and praise the Lord all the time. मगर ये व्यक्ति को हर समय जब भी वो पास्टर बोलते थे हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलने का इच्छा होता था। But the elders were sitting very close to him. मगर कलीसिया की आज्ञावान जो है उसकी नजदीक बैठे थे। And they were whispering, remember the shoe. वो उसकी कान में ये बोलते थे नया जूता मिलेगा। So he kept quiet. इसके लिए वो चुप रहा। Finally, the pastor said, "Don't worry about any problem. God will solve every problem ultimately." आखिर में पास्टर ने बोला, कोई भी चीज के बारे में चिंता मत करो, परमेश्वर हर एक समस्या, हर एक कार्यों को पूरा करेगा। And Jesus is going to come quickly and everything will be solved. Hallelujah. Yeshu Masih jaldi aane wale hai, sabhi cheez ka nivaran mil jayega, aise usne bola. The believer could not take it anymore. Wo vishwasi chup chap abhi aur baitha usse baithe rehne ke liye nahi hua. He said, shoe or no shoe, hallelujah. Usne bola joota aaye na aaye, hallelujah bol ke chillaya. Shoe or no shoe, hallelujah. Chuta rahe, na rahe, hallelujah. Hallelujah. That is Christianity. That is. यही है. यही चीज हमारे जीवन में रहना चाहिए. So our joy is not in our race of salary. Our joy is in the midst of our salary becoming less. Hallelujah. हमारा जो आनंद है हमारी तंखुआ बढ़ने में नहीं रहना चाहिए, मगर जब हमारी तंखुआ घटता है उसके बीच में हमारा आनंद रहना चाहिए। Our joy is in Jesus Christ. क्योंकि हमारा आनंद जो है वो यीशु मसीह में है। Okay, so one I want to say, all of you must. Okay, let us read 1 Peter 1 chapter verse 7.
पहला पेत्रू पहला अध्याय सातवीं वचन हम पढ़े, यू नो, पहला पेत्रू एंड द पहला अध्याय सातवीं वचन. It was a suffering church. It was a suffering church. Petru ek you know arek sankat se arek you know takleef se goojte hue kalisha ko likh raha hai. If you believed in Christ, you lost your job. Agar aap Yeshu Masih ke upar vishwas karte ho, aapki naukri chhut jayega. If you believe in Jesus Christ, you lost your loved ones. They'll put into the prison, or they will be persecuted, or they will be massacred. अगर आप यीशु मसीह के पर विश्वास करते हो, आपकी नजदीकी आपकी प्यारे लोगों को आप घुमा दोगे, आपको जेल में डाला जाएगा, नहीं तो आपके विरुद्ध सतावनी होता रहेगा. And they were a suffering persecuted church. ये जो कलीसिया है बहुत दुख में और बहुत पीड़ा और सतावनी के अंदर गुजरता था. Amen. And yet what Peter says about them is amazing. भले ऐसे परेशानी में वो चलते रहे, मगर पेत्रु इन लोगों को जो बोल रहा है वो बहुत अद्भुत है. सातवीं वचन में, नाइन्थ वर्स, यस, गो अहेड, रीड इट. नौवीं वचन बोल रहा है, आपकी जो देह है आपकी विश्वास के द्वारा आप पाते हो, कैसे आपकी आत्मा की उद्धार. Verse 9? Yes. With great joy. आपकी विश्वास के. Yeah. Okay. और अपने विश्वास के प्रति पर अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो. You greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Verse 8. No, आठवीं वचन. I'm sorry. Okay. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. That is, you believe, you're not seeing Jesus, but you have great joy and joy and inexpressible, full of glory. This is every believer. भले आपने यीशु मसीह को नहीं देखा है, मगर फिर भी उसमें आनंदित हो, वैसे आनंद जो आप बयान नहीं कर सकते हो, जो महिमावंत आनंद है. Hallelujah. Hallelujah. You and I as believers may not have the best of food, best of money, best of house, but we have the greatest joy. Hallelujah. हम यीशु मसीह के विश्वासी तरीके, हमारे पास अच्छा खाना नहीं हो, अच्छा मेनो कपड़े नहीं हो, अच्छे घर नहीं हो, मगर फिर भी वो महिमावंत आनंद से भरे जो यीशु मसीह के द्वारा में आता है. इट इज इनएक्सप्रेसिबल जॉय. आई हैव सो मच जॉय, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. जो बयान नहीं कर सकते उतने आनंद से हम भरे हुए. हालेलुया. दैट इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. वो एक अच्छा समस्या हमारे जीवन में, वो अच्छा समस्या है, जो परेशानी या प्रॉब्लम है ना हमारे जीवन में, अच्छा प्रॉब्लम है वो, जो हम बयान नहीं कर सकते. Christopher told me, I'm a counselor. I've heard all problems, mother-in-law, in-law, out-law problems, every problem I heard, but one problem I didn't hear. Nobody came and told me. I have too much joy. I don't know what to do with it. पास्टर क्रिस्टोफर ने बोला, मैं काउंसलर हूँ, बहुत सारे लोगों को सलाह देता हूँ, मगर मैंने हर एक समस्या को, मैंने सलाह देते वक्त हर एक समस्या को मैंने सुना है, मगर ऐसे कोई भी व्यक्ति आके मेरे अंदर बहुत सारा आनंद है, मैं क्या करूं मुझे पता नहीं है, ऐसे बोलने वाले को मैंने कभी सुना नहीं है. Very good. This is the problem. This should be the problem of everybody in your church. आपकी कलीसिया में ये समस्या रहना चाहिए, मेरे अंदर बहुत सारा आनंद है, मैं क्या करूं पता नहीं है. They must come and ask the pastor, Christopher, what to do? Other pastor, what to do? I have too much joy. Hallelujah. वो लोग आके ऐसे पूछना चाहिए, पास्टर क्रिस्टोफर, पास्टर जैकविन, मेरे अंदर बहुत सारा आनंद है, मैं क्या करूं, ऐसे सवाल पूछना चाहिए. That is a good problem to have. I'll tell you one thing. If everybody in all churches, every church and every home, everybody has this joy,
we'll have zero politics. अगर ऐसे आनंद हर एक कलिशा में, हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति के अंदर रहेगा ना, तो मैंने राजकीय कार्य जो हमारे कलिशा में, जीवन में, परिवार में जो होता ना, वो कभी नहीं रहेगा. Hallelujah. Jesus says, I want you to have my joy and your joy may be full. यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद आपके अंदर रहे और वो आनंद भरपूरी से रहे. Hallelujah. 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 This is the gift that Jesus gives every believer. ये एक वरदान है जो यीशु मसीह हर एक विश्वासियों को देता है. John's Gospel 15th chapter verse 11. योहान सुसमाचार 15वीं अध्याय 11वीं वचन. And John's Gospel 14th chapter verse 27. और वही योहान सुसमाचार मैंने 14, 11 और 27. पहले 15:11 हम पढ़े. मैं ये चीज आपसे इसलिए बात किया हूं क्योंकि आपके अंदर मेरा आनंद रहे और वो आनंद भरपूरी से रहे. हालेलुया. दिस इज फॉर एवरी बिलीवर. ये हर एक विश्वासी के लिए है. His joy, the joy that Jesus had, is yours through the cross and through salvation. So just enjoy that joy every minute of your day. यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस से जो आनंद आया है वो हर एक व्यक्ति के लिए. हमें हर दिन उस आनंद में भरे रहना है, उस आनंद को अनुभव करना है, उस आनंद को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है. This joy is even if I don't have shoe, even if I don't have chapati, even if I don't have dal, I have joy. With joy, the same joy that Jesus Christ had. भले मेरे पास जूते नहीं हो, भले मेरे पास चपाती नहीं हो, दाल नहीं हो, फिर भी मैं आनंद से भरा हूं क्योंकि ये आनंद यीशु मसीह के द्वारा मेरे अंदर आया है. Hallelujah, because Jesus Hallelujah. loves me. Jesus has forgiven me. Jesus is more than sufficient for me. And I have joy. And Jesus said that your joy may be full. ये आनंद जो है वो यीशु मसीह के द्वारा है क्योंकि यीशु मसीह मुझे प्यार करते हैं, यीशु मेरे बारे में चिंता करते हैं और यीशु मेरे लिए काफी है और ये आनंद मेरे अंदर भरपूरी में है. हालेलुया. दिस इज फॉर एवरी बिलीवर. ये सभी विश्वासियों के लिए है. यू नो इन फर्स्ट पीटर वी रेड नो जॉय इनएक्सप्रेसिबल फुल ऑफ जॉय इन द मैसेज बाइबल द अनदर वर्जन इट सेज With laughter and singing. Hallelujah. With laughter and singing. हमने पहला पेत्रु में हम देखा जो विवरण नहीं कर सकते हैं वैसे आनंद से हमें हम भरे. एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे बोलता है यू नो 80 लाफ्टर है सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग. दूसरा वचन बोलता है हंसी और यू नो गाने से हमें यू नो उसको बयान करना बहुत जरूरी है. वर्शिप लीडर टोल्ड अस दिस मॉर्निंग दैट दिस वर्शिप इज नॉट फॉर दिस आवर बट कंटिन्यूअसली. जिमी भाई ने बोला जे जो आराधना है सिर्फ एक घंटे के लिए सीमित नहीं है मगर हमारी पूरा जिंदगी में यू नो आराधना और स्तुति हम करते रहना चाहिए. हालेलुया. So, Hallelujah. As a believer, I'm always singing, always praising, always enjoying, always celebrating, even though I'm washing the vessels or I'm cleaning the floor or doing ordinary work because I'm constantly in worship and adoration of His love. एक विश्वासी के तरीके मुझे हर समय हर सेकेंड मैं आराधना करते रहना चाहिए, स्तुति करते रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए. बर्तन धोते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त मुझे आनंदित रहना चाहिए क्योंकि उसकी आनंद मेरे अंदर है. Zephaniah 3:17. जफनिया की पुस्तक
तीसरे अध्याय सत्तरवें वचन हम पढ़े. Now this is joy, this is peace in the midst of corona, covid and everything. ये जो आनंद है भले मतलब कोरोना है भले कुछ भी है उसकी बीच में ये आनंद हमारे जीवन में भरपूरी से है. If you are joyful and happy and you're always celebrating in your heart, coronavirus will get afraid of you and run away. अगर आप आनंदित रहोगे अगर आप खुशियां मनाओगे ये कोरोना वायरस आपसे डर के भाग जाएगा. Because you are happy, your immune system will work very well, and your immune system will attack COVID very well, and the COVID will disappear. Because a merry heart, the Bible says, the merry heart is like a medicine. जब आप आनंदित रहते हो, आपकी रोग ना प्रतिकारक जो शक्ति होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है. जब वो ज्यादा बढ़ता है, वो कोरोना के विरुद्ध ना लड़ाई करके कोरोना वायरस आपके अंदर कोई असर ना हो, वैसे आपको ना रक्षा करता है. क्योंकि वचन बोलता है, एक आनंदित हृदय एक दवा जैसा है. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Okay, we'll read the other verse in John's Gospel, 14th chapter, no? Yohan 14, 27 hum padhe. Okay. I told Zephaniah 3:17. I'm sorry. Zephaniah 3:17. Zephaniah ki pustak 3 aur 17. Koi padhe, please. Zephaniah 3:17 तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा. हालेलुया. The Lord is rejoicing over you because he loves you so much. The Lord is dancing and singing over you. He will quiet you in his love. In the Jerusalem Bible, it says, God is dancing. God is rejoicing. Oh, he's rejoicing and singing songs over you. Hallelujah. If the God himself is singing songs over you, and he is dancing and so happy, how happy you and I as believers must be. ये वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर आनंदित है. हिब्रू की यू नो ट्रांसलेशन ऐसे बोलता है, परमेश्वर आनंदित है हमारे ऊपर और वो हमारे लिए नाच रहे हैं. और जब परमेश्वर हमारे लिए इतना आनंदित है, वो इतना यू नो प्यार हमें दिखा रहा है, हमारे लिए इतना नाच रहे हैं, तो हम कितना आनंदित रहना चाहिए, हम कितना परमेश्वर में नाचना चाहिए. माय वाइफ लव्स मी, आई बिलीव इट. मैं विश्वास करता हूं कि मेरे बीवी मुझे प्यार करते हैं. And we have been married for about 34 years or 33 years. हम 35 साल बिना हमारा शादी का बिना आज 35 साल हुआ है. His combatant knows that my wife is better than me, but don't tell everybody. But she is better than me, but don't tell everybody. It's only between you. ये चीज मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप किसी को मत बोलना. रेवरेंड कंबाता जानते हैं कि मेरे बीवी मेरे से अच्छे हैं, मैं भी जानता हूँ मेरे से अच्छे हैं, मगर किसी को मत बोलिए. But she has not composed any songs for me. मगर आज तक उन्होंने मेरे लिए कोई गाना उन्होंने लिखा नहीं है. God loves me and he composes songs over me and he continues to sing songs over me. What an amazing God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वर मेरे लिए एक अच्छा गाना लिखा है और वो गाने को मेरे ऊपर गा रहे हैं. कितना अद्भुत परमेश्वर है. And that every moment just join in that singing, join in that celebration of dancing with God, and you also dance in your heart. You continue to enjoy His love and joy and peace. जब हम उसमें रहते हैं परमेश्वर जब हमारे उसमें हमें एक भाग बन के परमेश्वर की प्यार को अनुभव करना है, परमेश्वर की आनंद को अनुभव करना है, और हमें उसमें मगन रहना बहुत जरूरी है.
So every morning get up and join the singing which God already started. Hallelujah. हर दिन सुबह उठ के आप उस गाने के साथ जुड़ जाइए क्योंकि परमेश्वर यू नो आपके ऊपर गाना गाना शुरू कर दिया है. Okay, we'll turn to John. Uh-huh. Now I finish my introduction, Christopher. Now I'll start the message. Okay. मैंने अभी इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है. मैं अभी मैसेज में जा रहा हूँ. Okay, John 14 verse 27. John योहान की पुस्तक 14वीं अध्याय. Amen. 24वीं वचन. Amen. Amen. We're talking about the peace of God. Hallelujah. The salvation brings joy and it also brings peace into our lives. उद्धार का मतलब वो आनंद लेके आता है और वो हमारे जीवन में शांति भी लेके आता है. आज इस समय हम शांति परमेश्वर की शांति के बारे में बात करने वाले हैं. Go ahead. Read the verse. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ. अपनी शांति देता हूँ. जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन घबराए और न डरे. Amen. Not as the world gives. I give you peace. My peace I give unto you. Hallelujah. My joy is there. And God says, you know, every believer is entitled to the same peace that Jesus Christ had on this earth. हमने देखा परमेश्वर सबको आनंद देता है. वैसे ही यहाँ पे जैसा बोलता है दुनिया जो जैसा देता है वैसा नहीं मगर आपको मेरा शांति देता हूं. वैसे जैसे हमारे जीवन में आनंद है वैसे ही हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की शांति भी रहना बहुत जरूरी है. Amen. Amen. In Psalm chapter 4 verse 8 and then Psalm 85 verse 8. गीत शास्त्र 4 और 8 और गीत शास्त्र 8 मैंने बचन संगीता 4 और 8. I don't have the time to read all verses, but somebody can write it down later. We'll see that. But God will speak peace, but you have to quieten your heart. You know, 4 और 8 बचन संगीता 4 और 8 ऐसा बोलता है मैं लेटता हूँ और मेरे नींद में उसकी शांति है. Amen. और परमेश्वर सुरक्षा देता है. Amen. The next verse, Psalm 11. No, Psalm 85:8. मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है. वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे. Amen. Just listen to the voice. What will he say? He'll say words of peace. You might have lost your job. You may not have any money in the bank. You might have going through a very difficult time. God says, my son, my daughter, I want you to listen to me. And what will I speak? I'll speak words of peace to you. Words I'll take care of. यहाँ पे ये भजन संगीता जिसने लिखा है वो बोल रहा है मैं परमेश्वर को सुनता हूं कचित परमेश्वर अपनी शांति को शांति बताते हैं या बोलते हैं ऐसा बोलता है भले मुझे कोरोना में मेरा नौकरी चला गया हो पैसा नहीं हो कुछ भी हो मगर आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर उसकी शांति को बोल रहा है. In Philippians chapter, in Colossians chapter 3 verse 15. कलोसी की पुस्तक 3 और 15 परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है मसीह का शांति या प्लीज और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो. हालेलुया. इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इन एवरी सिचुएशन कंटिन्यू टू एंजॉय द पीस ऑफ गॉड बिकॉज़ ही केयर्स फॉर यू. इन 1 पीटर 5 वी रीड
He careth for you. No, we'll read that verse. First Peter, in the 5th chapter. No, read that verse. Pehla Petru, 5th adhyay. Read. Patras, 5. Cast all your anxiety upon him because he careth for you. No. Yeah. और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. Hallelujah. In the Message Bible, live carefree because he is very careful about you. Live carefree because he is very careful about you. Hallelujah. Living translation ऐसा बोलता है, you know, बिना कोई चिंता की जियो, you know, कोई चिंता, कोई जरूरत नहीं, बिना चिंता की जियो क्योंकि वो आपका चिंता करता है, वो आपके बारे में सोचता है. Amen. Hallelujah. So we have to live. I know only one Hindi word. I think it's Gujarati. I don't know. Live like a bindas. मुझे एक ही शब्द आता है, पता नहीं वो गुजराती हिंदी है. वो बोलते हैं बिंदास जिंदगी जियो. That is Christianity. वही क्रिस्ट, you know, ईसाई है. You are a Christian. You are a bindas. अगर आप ईसाई हो, आप बिंदास रहना चाहिए. कोई भी चीज का चिंता नहीं, कुछ नहीं. If you're not a bindas, you're not become a Christian. We'll be praying for your salvation. अगर आप बिंदास नहीं हो, आप ईसाई नहीं हो, आपकी उद्धार के लिए आप प्रार्थना करना जरूरी है. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. I'll tell you one story and then Christo wanted me to share my testimony. I'll tell one story and then I'll tell. एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद पास्टर क्रिस्टोफर मेरे गवाही को बांटने के लिए बोला था. मेरे गवाही में बोलूंगा, उसके पहले एक कहानी बोलना चाहता हूँ. So there was a very poor widow. She believed in Jesus Christ but didn't have anything, didn't have rice, dal, sugar, nothing in her house. एक गरीब विधवा थी, उसके पास कुछ नहीं था, ना चावल, ना दाल, ना तेल, कुछ भी नहीं था उसके घर में. But she was praying. मगर वो प्रार्थना कर रही थी. And God told her next day, tomorrow, to go to the supermarket. Very big supermarket was there. परमेश्वर ने बोला, कल सुबह तू एक बहुत बड़ा मॉल है ना, सुपरमार्केट, बहुत बड़ा मॉल में तू जा, ऐसे बोल के परमेश्वर ने उसको बोला था. So she went to the supermarket. अगले दिन सुबह उठ के उसने ये मॉल में गई, सुपरमार्केट गई. But she had no money. मगर उसके पास कोई पैसा नहीं था. So she took the cart in the supermarket. वहाँ पे, you know, मॉल में जो करियाना सभी डालते हैं, जो वस्तुओं डालते हैं, वो कार्ट को वो लेके गई. She took, went all the rows and took up everything: sugar, dal, rice, milk, whatever she wanted. She put it in the cart. हर जगह में जाके उसको जो जो जरूरत था, चावल, दाल, तेल, ना जो जो चीज जरूरत था, सब कुछ उसने उठा लिया. Then she went and stood in the line. उसके बाद जाके वो पैसा भरने के काउंटर में वो खड़ी हो गई. And then she stood in the line. And when her turn came, वो वहाँ पे खड़ी रही. उसकी जो समय आया to pay the bill, पैसा भरने का जब उसका समय आया, the clerk in that counter said, "Madam, I'm going for lunch. Please go to the next counter." वो पैसा वसूल करने वाली जो औरत वहां पे खड़ी थी, उन्होंने बोला, मैडम मैं खाना खाने जा रहा हूं, इसके लिए आप कृपया दूसरे काउंटर में जाके खड़ा हो जाइए. It'll take another 15 minutes, but you go to the next counter. आपको 15 मिनट और लगेगा, मगर आप दूसरे काउंटर में जाइए. But she said, no, I'm not going to any other. मगर उसने बोला, ना, मैं कोई काउंटर में नहीं जाऊंगा. Because when God told me yesterday, he told me to stand in number counter number 7. क्योंकि कल जब परमेश्वर मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला काउंटर 7 में जाके खड़े हो जाओ. So I'll be here only. मैं यहीं पे खड़े रहूंगी. No, I said, no, madam, it'll take very long. He said, don't worry, you go. वो औरत ने बोला, मैडम बहुत समय लगेगा. उसने बोला, नहीं, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं. So he came back after having lunch. वो व्यक्ति खाना खाने के बाद वापस आए. He opened the counter. उन्होंने काउंटर ओपन किया. He saw the same lady standing with all the provisions. वही औरत उसकी सामान के साथ वहां पे खड़ी थी, उसको देखा. As soon as he opened the counter, जैसे उन्होंने काउंटर को ओपन किया,
There was an announcement on the speaker. वो मॉल की स्पीकर में एक अनाउंसमेंट हुआ. And this announcement was like this. वो व्यक्ति जो अनाउंस कर रहा था वो ऐसा अनाउंस किया. This is the seventh year of our supermarket. ये हमारा सुपरमार्केट का सातवां सालगिरह है. So as a celebration of the seventh year, the person in counter number 7 gets everything free. हम सातवीं सालगिरह मना रहे हैं, इसकी वजह से सातवीं काउंटर में जो व्यक्ति है उसको सब कुछ मुफ्त में दिया जाएगा. हालेलुया. Amen. Hallelujah. Please don't try this until Pastor Vasu in Bangalore and Christopher in Bangalore only told. Don't try. God has a unique way of taking care of your needs. आप कृपया सुपरमार्केट में जाके पास्टर वासुदेव ने ऐसे बोला, पास्टर क्रिस्टोफर ने ऐसे ट्रांसलेट किया, ऐसे बोल के आप मत करो, क्योंकि परमेश्वर कार्य करने का अपना अनोखा तरीका है. Wonderful, wonderful. I want to share my testimony. मेरा गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ. I was born in a Hindu family. मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था. My father's name is Krishnan. My mother's name is Rajeshwari. मेरा पापा का नाम कृष्णन था और मेरा मम्मी का नाम राजेश्वरी. My brother's name is Shiva and my other sister's name is Lakshmi. मेरा बड़े भाई का नाम शिवा है और मेरी बड़ी बहन का नाम लक्ष्मी है. When I was 5 years old, my mother died. मैं जब 5 साल का था तब मेरी माँ का देहांत हो गया. Those days they had long family, large family. We were 6 of us. उस समय बड़ा परिवार हुआ करता था. हम 6 लोग थे. And when my youngest brother was 7 months old, my mother died. जब मेरा छोटा भाई 7 महीने का था तब मेरी माँ गुजर गए. That's when my father came to know Jesus Christ. वही समय में मेरे पापा यीशु मसीह को अपना जानने लगे और उनकी तरफ ध्यान देने लगे थे. So we moved our house. तो हमने मेरी हमारी घर को वहां से खाली करके दूसरी जगह. कोई भी रिश्तेदार हमारे साथ नहीं थे. And but my father, that's when he accepted Christ. मेरी पापा जो थे उसी समय यीशु मसीह को अपना उद्धार करता बोल के स्वीकार किया था. So we lived in a very small house. हम एक छोटे घर में रहते थे. And when it rained, it all leaked. So we got experience. So we know where to keep the vessels. जब भी बारिश आता था घर के अंदर पानी गिरता था तो हमें अनुभव था कहाँ कहाँ पे बारिश होता तो कहाँ कहाँ पे हमें बर्तन रखना चाहिए. So my father gave all of us bath, he washed all our clothes, made all the food for us, because we could not afford any servant, we could not afford any helper. So he did everything and went to office at 10 o'clock. Meri papa ama ame nilate the, hamare liye khana banate the, hamare liye hamara kapde dhote the, wo sab kuch karte the, kyunki hum ek bhai ko rakhne ki sahulat hamare paas nahi rehta tha, wo sabhi kaam karke 10 baje office jaate the. But he believed and trusted in God. मगर मेरे पापा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे और उनके ऊपर भरोसा रखते थे. And he just every morning he got up and prayed and prayed and prayed. That's all. हर दिन सुबह उठते थे और प्रार्थना 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 करते थे. You know, by God's grace, all 6 of us married Christians. 3 of us are on full-time ministry serving the Lord. And God has wonderfully taken care of us. परमेश्वर की कृपा से हम सभी एक ख्रिस्ती साथियों के साथ हमारी विवाह हुआ और 3 लोग पूर्ण सेवा में है और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें चलाया. You know, when my youngest brother, who was 7 months old when my mother died, when he celebrated his 50th birthday, all our Hindu relatives came to our house. जब मेरा भाई सात महीने के थे तब मेरी माँ गुजर गए. जब हमने मेरे भाई का 50वां बर्थडे सालगिरह जब हमने बर्थडे हमने जब आयोजन किया था
सेलिब्रेट किया था, हमारे सारे हिंदू जो रिश्तेदार थे सब लोग वहां पे आए. So there were about 30-40 of my relatives. That is my mother's side. Everybody, mother's side and father's side, all of them are Hindus. They all came for that meeting. मेरे पापा और मम्मी के तरफ सभी रिश्तेदार जो है वो हिंदू है. 30-40 लोग सब लोग आए थे. Before the meeting started, meeting शुरू होने से पहले, my uncle, that is my mother's youngest brother, got up. मेरे भाई की, मेरे मम्मी की छोटे भाई जो थे वो खड़े हुए. Now he is married, he has children, he has become grandfather. वो उनका शादी हुआ, उनका बच्चे का, ना बच्चे का शादी हो गया, अभी पोते हैं, पोते हैं, अभी वो नाना बन गए और दादा भी बन गए. We were scared. What is he going to say in front of everybody? हम डर गए थे. अभी ये उठे सबके सामने क्या बोलेंगे बोल के हम डर गए थे. And he said these words. उन्होंने ये चीज बोला. When your mother died, that is when my sister died, when your mother died, all of you are very small children. But जब आपकी माँ मरे आप सभी छोटे बच्चे थे. But that time your father accepted Jesus Christ. उस समय आपकी पिता यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया था. And we all thought he was a fool. हमने सोचा था वो तो एक मूर्ख है. But now, today, मगर आप आज, I want to tell you, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, this Jesus that your father believed has blessed all of you six people so wonderfully. This Jesus has taken care of you. This Jesus has been so good to you. Oh, that's all. उन्होंने बोला जो यीशु मसीह आपने स्वीकार किया है वो यीशु मसीह आप छह लोगों को अच्छी तरह से देखभाल किया है, आपको आशीष दिया है, आपकी चिंता किया है, और ये यीशु मसीह बहुत अद्भुत है, ऐसा बोल के उन्होंने बोला. And we said hallelujah, coming from a Hindu, and he's saying about how Jesus has blessed us. एक हिंदू परिवार से आते हुए उन्होंने बोला ये यीशु मसीह आपको आशीष दिया है, वो एक बहुत बड़ी बात है. हालेलुया, हालेलुया. सो आई वांट टू एनकरेज ईच ऑफ यू, इफ यू बिलीव इन जीसस यू विल नेवर टेक केयर ऑफ यू. परमेश्वर जरूर आपका देखभाल करेगा. विल वी हैव डिफिकल्टीज? यस. विल वी गो थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन? यस. विल वी हैव जीवन में आपके जीवन में समस्या रहेगा? हाँ. आपके जीवन में संकट आएगा? हाँ. आपके जीवन में बीमारी आएगा? हाँ आएगा. In the midst of that, we still have His peace, His joy, His presence, and He will take care of you. मगर इस चीजों के बीच में यीशु मसीह का शांति हमारे अंदर है, यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर है, और वो जरूर हमारी देखभाल करेगा. So I want to tell about my own life. मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ. So when my mother died, I was 5 years old. जब मैं मेरी माँ का देहांत हुआ मैं 5 साल का था. I grew up in the hostel and orphanages and difficult situations. मैं हॉस्टल में और अनाथ आश्रमों में ऐसे जगहों में मुश्किल हालात में मैं बड़ा हुआ. Somehow I could not study at all. मैं कई ना हालत की वजह से मैं सही से पढ़ नहीं पाया. I could not study any language. कोई भाषा पढ़ नहीं पाया. I studied Tamil in Tamil Nadu, I failed. I came to Karnataka, I studied Kannada, I failed. Then I studied Hindi, I failed. Then I studied French also, I failed. मैं तमिल नाडु में तमिल सीखा, फेल हो गया. कर्नाटका आके कन्नड़ा सीखने के लिए कोशिश किया, फेल हो गया. हिंदी सीखने के लिए कोशिश किया, फेल हो गया. फ्रेंच भी सीखने के लिए कोशिश किया मगर उसमें भी फेल हो गया. इंग्लिश आल्सो आई फेल. इंग्लिश में भी मैं फेल हो गया. आई फेल इन माय थर्ड स्टैंडर्ड, आई फेल इन माय सिक्स्थ स्टैंडर्ड, आई फेल इन माय नाइन्थ स्टैंडर्ड. मैं तीसरी तोरण में, तीसरी स्टैंडर्ड में फेल हुआ, छठी स्टैंडर्ड में फेल हुआ, नौवीं स्टैंडर्ड में फेल हुआ. इफ यू हैव टू डू माय सीवी विल रीड लाइक दिस. व्हेन ही वाज 16 इयर्स ही फेल्ड इन सिक्स्थ स्टैंडर्ड. व्हेन ही वाज 19 इयर्स ही फेल्ड इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड. व्हेन ही वाज 13 इयर्स फेल्ड इन द थर्ड स्टैंडर्ड.
अगर मेरा रिज्यूमे या सीवी अगर मैं बनाऊं, जब मैं 19 साल का था तब 9वीं क्लास में फेल हुआ, जब मैं 16 साल का था जब 6ठे क्लास में फेल हुआ, जब मैं 13 साल का था तब 30वें क्लास में फेल हुआ, and finally I got my PhD. मगर आखिर में मेरा PhD, मुझे PhD मिला. Passed PhD, passed high school with difficulty. उसका मतलब होता है मैंने मेरा हाई स्कूल बहुत मुश्किल से पास हुआ हूं. I was very young when I passed my 10th standard. जब मैं 10th मेरा 10वीं दौरान मैंने पास किया, मैं बहुत कम उम्र का था. मैं I was only 23 years old. मैं 23 साल का था बस जब मैंने 10th पास किया. My son passes 10th standard, he was 16 years, I was 23 years. मेरे लड़का जब 10th पास किया वो 16 साल का था, मैं 23 साल में मेरा 10th पास किया. So I was so bad in my studies, I was sent out of my home with a begging bowl in my hand. मैं पढ़ाई में इतना कमजोर था, उसकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया एक भीख मांगने के बर्तन के साथ. I was so bad, they never bought any clothes for 6 months. I was wearing the same shirt and lungi. 6 महीने तक मुझे एक नया कपड़ा किसी ने लेके नहीं दिया, वही शर्ट वही लुंगी में 6 महीने मैंने गुजारा किया. And I remember one day I and my friend were walking on the road. मैं अभी भी याद करता हूँ, मैं और मेरा दोस्त रास्ते में चल के जा रहे थे. And the opposite direction somebody came in a motorbike. सामने से कोई एक मोटरसाइकिल में सामने से एक व्यक्ति आया. And the person in the motorbike waved out to my friend who was walking with me. और वो व्यक्ति मेरे दोस्त को हाथ हिलाया जो मेरे साथ चल रहा था उसको. And I thought my friend was a great man. मैं सोचा मेरा दोस्त जो है वो बड़ा व्यक्ति है. He knows somebody who owns a motorbike. वो व्यक्ति जिसके पास मोटरबाइक है उसको जानता है, इसके लिए वो बड़ा व्यक्ति बोल के मैंने सोचा. That was what I was. But वो then, मेरा हालत था. Jesus Christ came into my life. मगर यीशु मसीह मेरे जीवन में आए. Jesus Christ forgave my sins. यीशु मसीह मेरे पापों को माफ किया. Jesus Christ healed my brain. यीशु मसीह मेरे जो मगज है, जो मेरा बुद्धि है, नो मेरे ब्रेन जो है उसको चंगा. If anyone is in Christ Jesus, he is a new creature. The old has cast away, and behold, God will give you a new mind. बाइबल का वचन बोलता है अगर कोई व्यक्ति मसीह में है, पुराना सब कुछ चला गया, वो एक नया व्यक्ति है और परमेश्वर उसको एक नया बुद्धि देता है, नया ब्रेन देता है. And God rewired my brain. परमेश्वर मेरे जो ब्रेन है, जो बुद्धि है, उसको फिर से एक नया जैसा बनाया. And God says in His word, I will restore to you the years the locusts have eaten. In Joel, He will restore to you all the years that I have lost. God can restore you also. God can restore your years. Joel की पुस्तक में ऐसा बोलता है, जो साल नुकसान में बीता है, जो तीर ने का के नुकसान किया है, वो सालों को मैं फिर से आपको दूंगा. परमेश्वर फिर से वो सालों को आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है, फिर से दे सकता है. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. That is Jesus Christ. वही है यीशु मसीह. When I failed in my 6th standard, I was studying in Bangalore in a very big school called Baldwin Boys High School, which was at that time very, very famous school. मैं जब 6ठे पढ़ रहा था बैंगलोर में, बहुत बड़ा स्कूल है जो बहुत फेमस स्कूल, Baldwin Boys High School जो है वहां पे मैं पढ़ रहा था. And I failed in that school in 6th standard. छठे दौरान में जब मैं पढ़ता था उस स्कूल में मैं फेल हो गया. But God brought me back as a staff in that same school. मगर परमेश्वर वही स्कूल में मुझे एक शिक्षक के तरीके वापस लेके आए.
And I was eating in the staff table in the dining hall in the hostel. मैं वो स्टाफ है ना वो शिक्षक की टेबल में बैठ के खा रहा था. I said, the same Vasu who left as 600 failure has come back because of Jesus Christ. मैंने बोला जो वासु स्कूल को फेल होके बाहर निकले वही वासु एक शिक्षक होके वापस आए क्यों यीशु मसीह के वजह से. I passed my 10th standard after the 6th attempt. मैंने 10th छठे छह बार प्रयत्न कर प्रयत्न करने के बाद मैंने 10वीं दौरान को मैंने पास किया. You know, God raised me up. परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया. In 1 Corinthians, the first chapter, he says, God takes the foolish things of this world to confront the wise. पहला कुरिन्थी पहला अध्याय में बोलता है परमेश्वर मूर्खों को चुनता है क्यों ज्ञानी को यू नो शर्म में डालने के लिए मूर्खों को चुनता है. For many years, I was the chairman of a very big school here in Bangalore, and I was the chairman of that board. I only signed the appointment letters of the teachers in that school. बहुत सालों तक एक बहुत बड़ा स्कूल का चेयरमैन था और एक चेयरमैन के तरीके बहुत सारे शिक्षकों को उस स्कूल में लाने के लिए मैं खुद साइन करता था. I walked with the vessel with a begging bowl in Chennai, but God took me five times to America and I started walking in the streets of America. मैं चेन्नई में भीख मांगते हुए बर्तन को लेके गलियों में घूमता था मगर परमेश्वर मुझे 5 बार अमेरिका लेके गए. अमेरिका की गलियों में परमेश्वर चलने के लिए मुझे मदद किया है. I told you my friend he waved out to a man on the scooter and I thought this guy was a great guy because he knew somebody who had a scooter. मैंने आपको बोला मेरे दोस्त को एक बाइक में जाने वाला व्यक्ति हाथ हिलाया तो मैंने सोचा ये व्यक्ति मेरा दोस्त एक बड़ा व्यक्ति है क्योंकि बाइक में जाने वाला उसको हाथ हिला रहा है. When I became a pastor in Goa, एक गोवा में मैं जब पास्टर बना and I was going in the motorbike, मैं एक मोटरबाइक में जा रहा था. I was using my own scooter, my bike. मैं मेरा You know, मेरा खुद का स्कूटर मैं यूज कर रहा था. I was going in a lonely road. एक काली रास्ते में मैं जा रहा था. And in the car, the tourism minister was going. और एक वो you know, उस जगह का टूरिज्म मिनिस्टर है ना उस कार में उस रास्ते में गोवा में टूरिज्म मिनिस्टर वो रास्ते में जा रहा था. And as soon as she passed by me, जैसे वो मेरे मैनो मेरे बाजू से गया. She turned around and waved to me. Hallelujah. वो मुड़ के मुझे हाथ हिलाया. Hallelujah. This is what Jesus Christ can do to you. यही यीशु मसीह आपके साथ कर सकता है. Hallelujah. Hallelujah. In Acts chapter, it turned to Acts. It's a very beautiful verse. प्रेरितों की कृति में एक बहुत सुंदर वचन है. And in Acts chapter 10 verse 24. प्रेरित कृति 10वीं अध्याय 24वीं कलम में ऐसे बोलता है 10:24. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 24वीं आयत. दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कर्नेलियस अपने कुटुंबी और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बात जोड़ा. 10:24. I'm sorry, 34. तब पत्रस ने मुंह खोलकर कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे भाता है. Hallelujah. With God there is no partiality. Hallelujah. परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है. Hallelujah. 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 So with God, there is no, God takes the ordinary people. One more verse and I will close. 1 Corinthians
And this is amazing. God takes ordinary people and he makes them extraordinary people. ये बहुत अद्भुत वचन है. एक साधारण व्यक्ति को उठा के असाधारण व्यक्ति के तरीके उसको बदलता है. पहला कुरिन्थियों first chapter from verse 26. एक 24 से लेके हम पढ़े. Verse 26 to 29. 24 से लेके 29 तक. पहला कुरिन्थियों 1:24 से 29. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए. Amen. I'm sorry, one more verse, you forgive me. Isaiah 61:7. Isaiah 61:7. Isaiah 61 chapter or 7 verse. तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे. हालेलुया. इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू शेम, ओनली वन डिग्री ऑफ ग्लोरी एंड ऑनर, वन ऑनर, बट इफ यू हैव गॉन थ्रू शेम, डबल ऑनर. हालेलुया. अगर आप शर्मिंदगी में पसार नहीं हुए तो सिर्फ आपको एक ही बाग का मान मिलेगा. अगर आप शर्मिंदगी में पसार हुए तो आपको दुगना मान मिलेगा, ऐसे ये वचन बोल रहा है. हालेलुया. एंड इफ यू गॉन थ्रू शेम, गॉड सेज माय सन माय डॉटर डोंट वरी, आई विल गिव यू डबल ऑनर एंड आई विल गिव यू एवरलास्टिंग जॉय. परमेश्वर का वचन बोलता है, मेरे बच्चे अगर आप शर्मिंदगी में पसार हो रहे हो तो फिक्र मत करो, मैं आपका दुगना महिमा दूंगा, दुगना मान दूंगा और मेरा आनंद से आपको भरूंगा. हालेलुया.